सब्सक्राइब करें पुरानी गाड़ी .com चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुरानी गाड़ी .com में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बुलेरो कार के बारे में, जो कि आज ही मुझे मध्य प्रदेश से ऑनर ने अपनी कार व्हाट्सएप की है। जो गाड़ी का मॉडल नंबर है वो है 2019 और प्राइस है काफी शॉकिंग। तो दोस्तों, जानेंगे हम गाड़ी के बारे में सारी डिटेल डायरेक्ट ऑनर से चल के, वो इस गाड़ी को क्यों बेचना चाहते हैं, साथ साथ किस प्राइस में बेचना चाहते हैं, आखिरी प्राइस उनका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग महिंद्रा बुलेरो कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पुरानी गाड़ी .com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं डायरेक्ट ऑनर से चल के। हेलो जी सर, पुरानी गाड़ी से बात कर रहा हूँ। आपने अपनी कार मुझे व्हाट्सएप की थी बेचने के लिए। सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुरानी गाड़ी .com से। जी बोलिए सर। जी, तो ये आपने, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन से मॉडल अल्टिका लेना चाह रहे हैं आप? मैं तो न्यू लेना चाह। अच्छा, न्यू लेना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह, अभी आपने शायद इसमें लिखा हुआ है कि कुछ आपकी अभी EMI भी बकाया है, कुछ किस्तें बकाए हैं आपकी अभी? ठीक है, जी जी है ना सर, बहुत अच्छी कंडीशन, गुड कंडीशन है। ओके, बाकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मुझे एल्टिका लेना है सर्विस के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी आपने आखिरी प्राइस क्या रखा है कि मतलब इतने प्राइस तक मुझे इसे बेचना है? क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे 4 लाख रुपए करीब कैश चाहिए, बाकी की जो EMI है वो कस्टमर अपने ऊपर ले ले। लेकिन उसमें कंडीशन ये है, तो गाड़ी तो फिर 10 लाख की पड़ गई उसको। लेकिन दिक्कत तो ये ना है कि अगर मैं वो दूसरी करवाया क्यों, क्योंकि मेरे पास तो काफी सारे ऑप्शंस है ना कि मैं उसको वो सेकंड हैंड, फिर 2000 सेकंड हैंड जब गाड़ी लेगा तो वो फिर वो कैश में ले लेगा ना 5 लाख या 4 लाख या 6 लाख रुपए की। बात समझिए ना। हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानिए 4 लाख जो आपका प्राइस है, देखिए मैं आपकी डील, मैं चाहता हूं कि आपको भी लॉसेस ना हो और जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी लॉसेस ना हो। ठीक है, हाँ, तो वही वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो मैं आपका नंबर अपने YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आपके पास काफी सारे लोगों के लिए कॉल आएंगे। तो जो टोटल प्राइस है, आप उसमें से 2-2.5 लाख, मतलब 1-1.5 लाख भी कम, 2-2.5 लाख भी कम कर लेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो एक हाँ, तो नो इशू, आप सीधा ऑनर को कॉल कर सकते हैं, मतलब जो भी आप जितने भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी कॉल करेंगे आपको बुलेरो लेने के लिए, आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन बताइएगा डिटेल में। ठीक है सर, ऑफकोर्स मैं उसमें जरूर अपने थंबनेल में प्राइस रख दूंगा, वीडियो के अंदर बोल दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग लास्ट क्या होगा। ओवरऑल सब आपने बताई चुके हैं कि गाड़ी में कोई भी इशू है नहीं,
ठीक है सर, तो आपका नंबर मैं अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपका सुनेम जान सकता हूँ। हेलो, और अगर अर्जी का अपन को सेकंड हैंड मिल जाए, दस पुरानी मिल जाए, बढ़िया टू कर दीजिए। यस, हाँ तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे कल अर्टिगा गाड़ी अपलोड करने वाला हूँ 2015 मॉडल, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है ना सर? ओके सर, ओके 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 जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ कार के ओनर, जिन्होंने बताया कि मैं इस बुलेरो कार को इसलिए बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे नई अर्टिगा कार परचेज करनी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि ओनर जो है टोटल अमाउंट से 2.5 लाख रुपए कम कर देंगे आप लोगों के लिए, यानी कि न्यू कंडीशन कार है, अगर आपके लिए 2.5 लाख रुपए कम हो जाते हैं टोटल अमाउंट में, तो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्राइस होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देरी बिल्कुल ना करें, जल्दी से इस कार को परचेज करें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं गाड़ी के कंडीशन के बारे में, साथ साथ विद इंफॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों जो गाड़ी का मॉडल नंबर है 2019 और जो गाड़ी चली हुई है 54,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ, दोस्तों ये फर्स्ट ओनर कार है और जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है वो है डीजल। दोस्तों जो गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, साथ साथ ये एमपी नंबर रजिस्ट्रेशन कार है। दोस्तों जो इस वक्त कार खड़ी हुई है अराउंड मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है, साथ साथ जो गाड़ी का कलर है व्हाइट कलर की आपको ये महिंद्रा बुलेरो कार मिल जाती है। दोस्तों जो गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है वो 2021 तक वैलिड है, गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कार लोन फैसिलिटी गाड़ी पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, फिर चाहे आप किसी भी जिले या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप इस कार को कार लोन पे खरीद सकते हैं। साथ साथ कार लोन के लिए आप लोग अपनी नजदीकी बैंक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करेंगे गाड़ी के कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप गाड़ी की कंडीशन देख ही सकते हैं, गाड़ी पे कोई भी डेंट पेंट हुआ नहीं है, केवल 22 महीने ये चली हुई कार है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कंडीशन, टायर गाड़ी में आपको न्यू कंडीशन में मिल जाते हैं, गाड़ी पे कोई भी डेंट पेंट हुआ नहीं है, ओरिजिनल पेंट के साथ आपको ये कार मिल जाती है। दोस्तों ये नॉन एक्सीडेंटल कार है, साथ साथ गाड़ी के बोनट बम्पर के बारे में बात की जाए तो हेडलाइट गाड़ी में आपको गुड कंडीशन में मिल जाती है, नीचे की साइड आपको फॉग लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं, मिडिल में मिल जाता है आपको महिंद्रा का लोगो। अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड मिरर गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, यहां भी आपको कोई डैमेजिंग या कोई स्केचेस नजर आएगा नहीं। अगर हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो टेल लाइट्स गाड़ी में आपको गुड कंडीशन में मिल जाती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो दोस्तों डैशबोर्ड गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, म्यूजिक सिस्टम आपको गाड़ी के अंदर लगा हुआ मिल जाता है, साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, सीट कवर गाड़ी के अंदर आपको गुड कंडीशन में मिल जाते हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। नीचे फर्श पे आपको मैट बिछी हुई मिल जाती है, चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, यूएसबी स्लॉट मिल जाता है। अगर हम बैक सीट कवर्स की बात करें तो वो भी गाड़ी के अंदर आपको गुड कंडीशन में मिल जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं, चाहे आप puranigaadi.com से सेकंड हैंड कार परचेज करिए या फिर किसी थर्ड पार्टी से करिए या फिर किसी डीलर से करिए, हमेशा दो तीन चीजें जरूर चेकआउट करिए, जैसे कि इंजन ऑयल, इंजन नंबर को हमेशा अपने डॉक्यूमेंटेशन से मैच आउट करिए, साथ साथ बैटरी जरूर चेकआउट करिए कि ज्यादा कार्बन तो जमा नहीं है, ज्यादा कार्बन अगर बैटरी पे जमा हुआ तो गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी। तो दोस्तों दो तीन चीजें जरूर चेकआउट करिए, उसी के बाद ही कोई सेकंड हैंड कार परचेज करिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस कार को लोन पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं। जो ऑनर के ऊपर जो लोन चल रहा है वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, आप ऑनर को केवल कैश पकड़ाएंगे वो 4 लाख रुपए जो उन्होंने मांगा है 4 लाख रुपए, उसमें वो कम भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं, वो आप लोग उनसे निगोशिएट करेंगे इस प्राइस के लिए। तो दोस्तों ऑनर का नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग इस गाड़ी को न्यू शोरूम से परचेज करने जाएंगे तो आपको करीब करीब 9 लाख रुपए की ऑन रोड पड़नी है या 9.5 लाख रुपए की पड़नी है, बट यहां पे ऑनर ने बोला है कि मैं टोटल प्राइस से 2.5 लाख रुपए कम करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा सौदा होने वाला है, जल्दी से आप ऑनर को कॉल करिए और एक अच्छी कीमत में महिंद्रा बुलेरो कार परचेज करिए। ऑनर का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जल्दी नंबर लीजिए, जल्दी से कॉल करिए। तो दोस्तों इसीलिए
पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन यूट्यूब चैनल बन चुका है यूज्ड कार के मामले में, क्योंकि यहां पे मिलते हैं आपको डायरेक्ट ऑनर के नंबर। आप सीधा ऑनर से कॉल करते हैं, सीधा ही ऑनर से बार्गेनिंग करते हैं, उसी के बाद ही कोई सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं। अपने कम से कम प्रतिकार आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए बचाते हैं बड़ी गाड़ियों पे, और छोटी गाड़ियों पे करीब करीब 50 से 60 हजार रुपए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड कार सर्च करें तो आपके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग अपने ही जिले के अंदर कोई सस्ती कीमत में सेकंड हैंड कार सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.puranigaadi.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे ऑनर अपनी गाड़ियां लिस्ट करते हैं, अप्रॉक्स 20 से 25 गाड़ियां डेली बेसिस पे लिस्ट होती हैं। आप अपने अनुसार कम कीमत की कार सर्च कर सकते हैं वहां पे, और डायरेक्ट ऑनर से कॉल करके एक अच्छे कीमत में कार परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पेमेंट किसी को ना करें, चाहे वो ऑनर हो, चाहे फिर आप किसी डीलर से कार परचेज क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कार क्यों ना सर्च कर रहे हो। फ्रेंड्स, पहले पेमेंट कभी किसी को नहीं करनी है। सबसे पहले जाके ऑनर से, कार के मालिक से मिलिए, उसके बाद गाड़ी को चला के देखिए, इंजन चेकआउट करिए, सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही उनको उनके हाथ में पेमेंट करिए, फिर उनके अकाउंट में पेमेंट करिए। लेकिन उससे पहले बिना गाड़ी देखे कभी भी किसी को पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उनसे बचिए, उनसे सावधान रहिए। साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी कोई सेकेंड हैंड कार बेचना चाहते हैं, वो भी 24 आवर्स के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर, तो दोस्तों आप मुझे मेरे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने कार के फोटो, वीडियो, साथ साथ गाड़ी की इमेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं, और आप अपनी मनचाही कीमत में अपनी कार को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड कार है, आप उसे बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। तो दोस्तों, puranigaadi.com पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन यूट्यूब चैनल बन चुका है यूज्ड कार के मामले में, क्योंकि यहां पे आपको मिलती हैं सीधे ऑनर के नंबर, मतलब कि आप डायरेक्ट कार मालिक से फोन करते हैं, उन्हीं से बार्गेनिंग करते हैं और उन्हीं से कार परचेज करते हैं। मतलब ना ही यहां पे कोई मीडिएटर है, ना ही यहां पे कोई डीलर है, और आप लोग कम से कम 60,000 से लेकर कम से कम अपने 1 लाख रुपए तक बचाते भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।